हेलो एवरीवन, साइमन सर, आज हम बात करेंगे व्हाट इज कंसेंट डैमेज इन एक्सपोर्ट रिपोर्ट। देखिए, आपका अगर कंसाइनमेंट आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हो या तो न्यू एंटर करने वाले हो, तो इन छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप इसका अब इसका मतलब समझाता हो। जब भी आप एक्सपोर्ट करो और आपका बायर बोलता है कि आपका गुड्स जो आपने यहाँ से भेजा है वो डैमेज है, तो इस केस में आप क्या करोगे? जब तक आप कंटिन्यू तो आप इम्पोर्ट कर रहे हो, आपके पास डैमेज पीस आया, कंसाइनमेंट ही डैमेज है पूरा, मतलब गुड्स आपका, तो उस केस में आपको क्या करना है? जब ओपन होने से पहले कोई भी आपका पैकेज आप ओपन करने से पहले अगर वो चीज़ डैमेज है, उस चीज़ को बोलते हैं कंसील्ड डैमेज। अब सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि ये मैक्सिमम टाइम होता है आपका ट्रांजिट पीरियड के टाइम, कि जब शिपिंग के दौरान ही होता है। माइंड भी आप एक्सपोर्टर हो, बायर के पास जाते जाते आपका गुड सारा खराब हुआ तो डैमेज हुआ, तो ये प्रूव करना बहुत टफ होता है कि कौन इसका बियर करेगा, क्योंकि शिपिंग लाइन बोलेगी कि मेरा काम था सिर्फ पहुँचाने का। इंश्योरेंस वो अलग चीज़ है, हम बोलेंगे कि हमने तो जेन्युइन प्रोडक्ट भेजा है। बायर कल को पेमेंट ना आने के लिए भी आप देने के लिए नहीं, ये भी बोल सकते कि अरे मेरे पास डैमेज है। तो इस चीज़ के लिए कैसा होता है कि टफ हो जाता है कि प्रूफ करने के लिए शिपिंग लाइन के लिए भी कि आपके कारण वो चीज़ें हो रखी है। ठीक है, तो इसमें आता है कि एक्सपोर्टर पे करेगा या आपका शिपिंग लाइन पे करेगा डैमेज के केस में। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अगर ऐसे कोई सिचुएशन होती है तो? देखिए, अगर आपने एक्सपोर्ट किया, आपको सबसे पहले एविडेंस लेने हैं। अगर मेरा प्रोडक्ट डैमेज है तो आप ओपन करने से, जैसे कंट्रैक्ट खुलता है तो आप वहाँ पे वीडियो बना के आपके पास एजेंसी है, तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो कंट्रैक्ट खुलने के बाद आपके पास प्रोडक्ट आया, फिर भी आपको वीडियो बनानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एविडेंस इकट्ठे करना है। उसके बाद सबसे पहला टास्क होगा आपका फ्रेट फॉरवर्डर को इन्फॉर्म करना है, वो वीडियो वगैरह के साथ या तो ये सारी चीज़ें भेजने का, तो उसको इन्फॉर्म करना आपको फ्रेट फॉरवर्डर या तो CHA के साथ। वो आपको हेल्प करेगा नेगोशिएट करने के लिए ऑन योर बिहाफ, शिपिंग लाइन के साथ वो नेगोशिएट करने का वो करेगा। ठीक है, वो सिर्फ आपके बिहाफ पे हेल्प करेगा कि आप नेगोशिएट करने के चांसेस, अगर प्रूफ और वो जेन्युइन केस हुआ तो। थर्ड आता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपको इस केस में, कि आपको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन लेना ही लेना है। आपके बिहाफ पे इतना बढ़िया काम कर देंगे बिकॉज दे हैव सीन सेवरल केसेस। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब भी एक्सपोर्ट करो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवा लो, बायर नया है, चीज़ें आती है सामने निकल के। सो आई होप आपको कुछ थोड़ा वीडियोज एविडेंस इकट्ठे करके आपको फ्रेट फॉरवर्डर है तो CHA से बात करनी है, उस बिहाफ पे आपकी जो फ्रेट फॉरवर्डर कंपनीज है या तो आपका शिपिंग लाइन से, उसके साथ आपका CHA नेगोशिएट करने के चांसेस कर देगा। आई होप आपको थोड़ा कुछ समझ आया होगा, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो वो एक मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, किसी को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ जानना है, यू कैन गिव मी अ कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सीखना है तो मेरा नंबर सेम नंबर पे है, यू कैन गिव मी अ कॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।